আসানসোল রেলপার কুরেশি মহল্লায় অতিবৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল বাড়ি, মৃত এক। আসানসোল উত্তর থানার রেলপার কুরেশি মহল্লায় অতিবৃষ্টির কারণে ভেঙে পড়ল একটি বাড়ি। এই ঘটনায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম হামিদা খাতুন। জানা গিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস আছড়ে পড়ার আগেই আসানসোল রেলপারের অতিবৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় হামিদা খাতুন নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। हमको तो सुबह में भतीजा गया लाने के लिए, खले रहा भतीजा गया कि दादी ऐसा ऐसा हुआ, बुआ चल गई। तो देख चार बजे हम दरवाजा खोला, उसके बाद देख रहे पानी। आपका कोई रिश्तेदार है? मेरी आपकी माँ। कितना उम्र था उनका? बोले तो 74 बोलते थे, 74 लगभग हो गया। तो ऊपर से अचानक 4:15 हम दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं आवाज़, मतलब हमको समझ में आया तो हम समझे पानी का मतलब आवाज़ है। पानी बहुत जोर हो रहा था, उसी टाइम मतलब ही हादसा हो चुका था। क्या नाम है उनका? जो डेट की हमीदा खातून। कितना उम्र होगा? उम्र वही 70 करोड़ है, 74 हो गया। तो घर का परिस्थिति खराब था क्या? परिस्थिति तो था खराब। तो सरकार की तरफ से मतलब गरीब आदमी था, कोई हेल्प बोल के नहीं है। देख के नहीं समझ में आ रहा था। आप लोग मत बोलिए, कपड़ा है, थाली है, कपड़ा का घर है। इधर उधर से गुजारा करके अपना पेट पालती थी। आसनसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।